तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ, एक तो थार में पानी डलवाना है और धुलवानी है, तो महिंद्रा के शोरूम से कराएंगे। पीयूष अपनी क्लास ले रहा है, साहिल अपना काम कर रहा है। अभी देखो शीशा गंदा हो रहा है तो मुझे साफ करना है, ये नहीं कर सकते। गाड़ी अंदर जाने से पहले सैनिटाइज कर रहे हैं गाड़ी को। मतलब मेरे को भी कर रहे हो, ये सही है यार। शोरूम में जाने से पहले सैनिटाइज कर रहे हैं गाड़ी को। हमारी थार को सैनिटाइज कर दिया भाई, गाड़ी के अंदर धुआं धुआं सा हो गया, पता नहीं क्या डाल दिया उन्होंने। तो गाड़ी अपनी जा चुकी है धुलने के लिए। तो फाइनली गाइस गाड़ी मिल चुकी है, बारिश तो रुकी नहीं रही। फॉर्च्यूनर के सामने लगाते हैं थार। ओ भाई ये देखो कितना सा गैप बाकी है, सिर्फ इतना सा, थोड़ी चुराई कर देता ना बढ़ जाती। हमारी सोसाइटी में ना गाड़ी की पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा सकते। बाहर हो रही है मस्त बारिश, मम्मी से पकौड़े बनाते हैं। बाल मत कर यार बेटा, मेरे को ये बाल पसंद नहीं। मन कर रहा है अगर ये इस बाल को मत छाड़ दे। मजा आ गया, मजा आ गया। मम्मी क्या हो गया, बाल ही होंगे। आपका सबसे ज्यादा कहना मैं मानता हूँ, आपने बोला की सॉक्स जाल में डाल रहा हूँ, मम्मी जी को सारा सामान यही ला के देते हैं। मम्मी जी यही कर लेंगे, मैं गैस भी ले आऊंगा यहाँ आपके लिए, गैस भी ले आऊंगा। मम्मी जी को दो तरह के पकौड़े बनाने पड़ेंगे, एक बिना प्याज के एक और एक प्याज के। तो भाई सारा सामान कट चुका है, पीयूष का भी कट चुका है, उठा ले तेरा, पीयूष का कट चुका है। चाय बना रहे हो, मेरे लिए बना देना, बता देना कितना डालना है। यहाँ चाय बन रही है, यहाँ पकौड़े बन रहे हैं, तेल भी गर्म हो चुका है, चाय भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। तो भी गाइस पकौड़े बनने स्टार्ट हो चुके हैं। वो बैठा है, उसको फिर भी उड़ा जा रहा है। अच्छा, एक बार एक इसको कौन पकौड़ा बोलेगा। अरे इनोवा कहाँ गई, आई थिंक सैलदा ले गया, बारिश में कहाँ ले गया वो इनोवा। सो गाइस अभी हम अंदर बैठ के अपना गाना सुन रहे थे और सैलदा ने हमको बाहर बुलाया और बड़े बाबा को सरप्राइज दिया एक ब्रांड न्यू स्कूटी के साथ। इवन मेरे को भी नहीं बताया उसने, मेरे को तक नहीं बताया भाई कि मैं स्कूटी लेने जा रहा हूँ। तो ये पापा जी चला के दिखाएंगे। तो गाइस ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, एकदम से सरप्राइज मिला पापा जी को स्कूटी का और चला के ले गए अभी। वैसे पापा जी ने कभी चलाई नहीं है स्कूटी बाइक कार वगैरह, उनको डर लगता है। तू कितना एक्साइटेड हो रहा है? पता नहीं भाई, तेरे को नहीं मिलेगी। अरे पता नहीं कह रहा हूं मैं ये थोड़ी कह रहा हूं मेरी स्कूटी आ गई।